हेलो। हेलो अप्पू भैया। अरे हाँ भैया कौन? आप हमारा फोन तो उठा नहीं रहे, तो हमने आपकी जीजा को बोला आपका नंबर देखे कि कॉन्फ्रेंस में बात कराओ। आपने इतना फटाफट फोन उठा लिया अपने अरे भाई, जीजा आप ने। हैं कौन? की बदतमीजी कर रहे हैं भाई? हम बदतमीजी कर रहे हैं, शुरुआत किसने की थी? पहले नहीं तो आप कौन है, नाम बताइए ना। वलीमा वाजिब साबित कर जाहिल की औलाद। अरे तो आप पहले अपनी बहन से शादी तो करवाइए, तभी तो वलीमा करेंगे। अबे अपने जीजा का तूने फोन उठा लिया, अरे अब आप मेरे भाई, इससे एक कर रहे तरफ हैं? अपनी बहन तुझे की शर्म शादी नहीं भी आती करवा तेरे रहे हैं, को? वलीमे की दावत भी आपको खाना है, अबे बात वलीमा भी नहीं करना। वलीमा साबित अच्छा कर, भाई, फाइल कायदे से पसंद बात करना हो साबित। तो ठीक है, अब वरना फोन काट के नंबर तू आपको अहले ब्लॉक हदीस कर का इतना देंगे। बड़ा मुनाजिर है तो अगर बात तक क्यों आपको आती? ऐसे बदतमीजी से बात करना है तो मैं आपका फोन काट के नंबर आपका फिर तू से अहले ब्लॉक अहले कर दूंगा और ऑडियो तू आपकी अपलोड ब्लॉक कर या दूंगा कुछ भी आपकी, कर, मुनाजिर ठीक है? इतना बड़ा घंटा है अहले हदीस का, तू वो भागेगा बनते मुझसे? नहीं है, तुम आज क्यों लोगों रहा ने है तू? बनाया है भाई, हम तो आज भी तू अपने आप को भाग क्यों छोटा रहा है? मानते हैं, तकब्बुर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तू भाग क्यों रहा है? भाग तकब्बुर क्यों रहा से है? अल्लाह बचा। अरे भाग क्या रहे, कोई भाग इल्मी क्यों रहा बात है? तू करना तो साबित करो कर। ना। अच्छा तूने भी जो मुझे फोन किया था तो इल्मी बात करने के लिए फोन किया था तो मैंने कौन सी जाहिल बदतमीजी की के थी? बच्चे? मैंने प्यार से कहा, मेरी जमशेद रिकॉर्डिंग भाई आप सुनाओ, तूने कैसे, क्या आप बोला ठीक था? हो? मेरे तो आप भी मेरे भाई, भाई अम्मा बहन मेरा पे भाई चढ़ मेरा गए। कब से बन गया? मेरा बाप अच्छा तेरी माँ के ठीक है, पास गया जमशेद तो मेरी मैं तेरा प्यारी बाप नहीं बहन जा ठीक रहे? हो, सब खैरियत से अबे घर मेरा पे? बाप तेरी माँ के पास कब गया शोहर था जो आपके मैं तेरा ठीक भाई हूँ, है? यही बता। बच्चे अच्छे आपके ठीक है? मेरा बाप अब तेरी लोग माँ के मेरे पास भाई गया था क्या? तू बहन मेरा कह रहे भाई हैं हो तो गया? आपको दिक्कत है, भाई कह रहे हैं तो आपको अपने दिक्कत जीजा है, का तो तूने फोन उठा क्या लिया, मतलब तुझे आपको शर्म नहीं आई? परेशानी चल क्या यार? वलीमा साबित कर। किसका वलीमा साबित करा? अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी वलीमा मेरे पे करना वलीमा नहीं वाजिब होगा हमारे है, वहाँ। वलीमा करना वाजिब है, जाहिल भाई करे तू लॉकडाउन के भाग रहे बाद तो साबित इंशाल्लाह कर। तू वलीमा नमाज के करेंगे, झगड़ा तुम घंटा अपनी बहन का जाहिल की निकाह करवा औलाद, देना धूमधाम से लंगड़े करेंगे, के ठीक? चमचे साले जरूर से अबे मजा तुम्हारा करना, हाशमी मियाँ साबित लंगड़ा, वो कर। साला चल नहीं पाता है, छड़ी इस्तेमाल करता है, हाशमी चिंदी मियाँ, चोर, हाशमी हाशमी मियाँ की दरगाह मत हाशमी जाया मियाँ करो भगवा दरगाह पे, धारी हाशमी मियाँ की चौखट मत उसका जाया नाम करो है वहां हाशमी पे जाकर, पंडित। वहां पे जाके उसकी चौखट मत जाया हाँ करो। तो हाशमी अपने जो हाशमी जो गोल तुम्हारा किताब हाशमी पंडित निकाल, है, वो क्या हो गया उसके अपनी पैर में? सुना जर्जी की गोल है किताब कुत्तों ने दौड़ा निकाल लिया था उसको, बेचारे जिसमें लिखा हो कि तेरी माँ को भाग भी वलीमा नहीं वाजिब पाया होगा, साबित। कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया होगा ना। अबे बताओ कितने जर्जी की शर्म की गोल बात है। किताब खोल जिसमें अरे लिखा हो फारूक तेरी खान माँ को लैपटॉप वलीमा बाबा वाजिब ने कौन सी का, किताब से पढ़ा था, अब इंसान तू का तो बच्चा वलीमा ऑक्सीजन लेता है वाजिब और से बना के हाइड्रोजन बना छोड़ता लिया, है, अब तू जरा वाली वलीमा किताब वलीमा ला की दो गोली बेटा। विजय बना कर बना लिया, चलो ये 500 जरा रुपये तेरा तुम्हारे लोहिया बना पेटीएम लिया में भेज किसी रहे हैं, ने कहा, फटाफट बताओ वाली तेरे किताब कहाँ भाई का मिलेगी, लोहिया बना रहा तू? अबे वाली वलीमा साबित किताब कर, कहाँ लोहिया तो मिलेगी तू जिसमें लिखा है कि तो इंसान का सामने खड़ा है बच्चा क्या तू? ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता तू है? तो हाँ सामने खड़ा है क्या तू? बताइए तो भाई, शादगार भी भाग रहा है और अपने जीजा कहाँ का कहाँ बच्चा कहाँ फोन लिखा कहाँ है, कर भागना नहीं फोन काट के। हाँ अब तुम्हारी तुम पे पैर मार दिया है। जाहिल की औलाद साले, हाँ तेरा मुकल्लिद जाहिल होता है और जाहिल तुम जाहिल की औलाद हो, सही मैं कहा? जाहिल और जो हाँ मुकल्लिद मुकल्लिद होता है वो तू, मैं जाहिल जाहिल होता है, इस सही पर बता रहा हूँ। अहले इनका इजमा जुमले है, तहमिया तेरा नाम और जो मुकल्लिद इजमा जाहिल को ना का, माने वो दायरे इस्लाम से बाहर जुमले है। तहमिया तेरा नाम इमाम मुकल्लिद इब्ने जाहिल का कय्यिम ही है, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जुमले आलिम नहीं तहमिया होता, वो जाहिल जाहिल का, होता है। जुमले तहमिया जाहिल का, वो मुकल्लिद भाई था कोई तो इल्मी जाहिल बात क्यों करना बना? है कि खाली बकबक करना है भाई, रमजान में फालतू हाँ तो टाइम मैंने नहीं है तुझसे यार। क्या पूछा? वलीमा करना वाजिब अरे है भाई तेरी माँ वलीमे की बात अब तो मेरे पे साबित कर, लॉकडाउन की साबित बात कर। करना है, लॉकडाउन में जब शादी नहीं करेंगे तो वलीमा क्यों कहाँ तेरी से कर हालत लेंगे? खराब हो गई? नहीं अच्छा दूसरी तेरी हालत टॉपिक की खराब हो इल्मी गई, बात सुनो करो ना, सुनो वलीमे सुनो, से क्या तेरी तुम्हें हालत लेंगे? खराब हो नहीं गई, सुनो तेरी हालत खराब तुम्हारे हो वहाँ जो तीजा गई। चलिसवा होता है, देखो वलीमा तुम्हारे वहाँ जो करना वलीमे की साबित दावत कर है वो यहाँ नहीं होती वाजिब, है, तुम्हारे वहाँ तेरी मैयत निचला पार्टी जाहिल के होती है, बच्चे, जाहिल तीजा के चलिसवा औलाद चट्टी साबित कर चिल्ला यहाँ, कुंडे बरसी ग्यारहवीं वलीमा बारहवीं साबित ईद कर मिलाद वाजिब, और शबे वलीमा बारात, वलीमा वलीमा तुम्हारे वहाँ जो वलीमा। अमल होता है ना वो वाजिब है ना सुन्नत है ना अबे बढ़ नफिल है, बढ़ के बल्कि वो ढक्कन तमाम ताले मुंह बिदअत खोल है। डालो, गटर की लेकिन गंदू वलीमा आदमी बनो। करना दोनों अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह के नबी मैं तेरे सल्लल्लाहु भाई अलैहि माँ बाप वसल्लम तेरे की को जाहिल सुन्नत के है साले से, और दोनों जो तो पैसे जमशेद वाले वाली लोग हैं मेरा उनके फोन ऊपर काट वलीमा लिया, करना तेरे वाजिब जीजा है, का फोन उठा ठीक रहा। है? सुनो पहले, सुनो सुनो नहीं सुनो नहीं सुनो सुनेंगे सुनो नहीं, सुनो तुमने सवाल सुनो पूछा है, जवाब तो सुन लो। अरे सुन तो लो, वलीमा हमारे तो करना सुनो अल्लाह के से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेरे सुन्नत है, और अगर कोई मेरे वाजिब भाई के ना पैसे बाप, वाला है तो तूने उसके वाजिब लिए के ना वलीमा बाप करना वाजिब है। कहाँ लिखा है? अरे ये हदीस है बकरे ना वाला अल्लाह के कर नबी लूँगा, की, कि कहाँ अल्लाह के लिखा नबी है? सल्लल्लाह साबित कर, साबित हाँ सही बुखारी की कर हदीस दूँ है, अल्लाह के नबी ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर। अपने अरे वलीमे इसने पे कहाँ सहाबा बोला को है, बुलाया और कहा कि तुझे जिसके इतना पास नहीं जो जो बताया कि खाना है वाजिब सबने तेरी साथ में किराम से बैठ के खा होती लिया, और अल्लाह के नबी है? जाहिल सल्लल्लाहु के अलैहि बच्चे, वसल्लम अबे ने फरमाया यही मेरा वलीमा है। जाहिल तो के बच्चे जितनी तो आपकी मैं कुछ हैसियत हो तारीफ आपको तेरी वलीमा किराम से करना होती है, और है। अल्लाह के नबी अबे सल्लल्लाहु वाजिब अलैहि तेरा वसल्लम वाजिब फरमाते तेरी हैं कुरान से पूछ वलीमा जाती है, करो वाजिब ख्वाह तेरी एक किराम बकरी क्यों से। ना हो, अगर आपके पास अरे एक हम जानवर ब्राह्मण भी है एक बकरी भी है तो भी वलीमा कीजिए, गाय रहे, ठीक आप है? देखिए भगवान है, आप आपकी भगवान हालत क्यों रहे? अटाइट ये हो गई है, जाहिल के जवाब बच्चे, सुन के जाहिल आपके कुछ दिन नहीं हो, जाके तुम है। चुगली हो रहे, बकते चले आ रहे, सुन हाँ तो तो लो सुन पहले, लिया भाई करो, मेरी एक मिनट लगा तो दूंगा बोलो, तुझे जो एक मेरी मिनट हम हाथी हो जाएगा, जाहिल। अरे एक स्कैन मिनट पेज का पे उसमें लगा टाइम दो। दो, एक स्कैन पेज लगा दो, वलीमा साबित है बुखारी नहीं नहीं शरीफ आप के कौन अंदर, बोल रहे पहले हैं जो ये स्कैन पेज स्कैन पेज लगा दो। मांग रहे हैं वो अपना नाम बताएं, कौन बोल रहा है? ये
तेरा जीजा बोला जिसका तूने फोन उठाया? नहीं 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 भाई, अरे भाई बरेलियों का दूल्हा भाई तो मैं हूँ ना। अबे मेरा फोन हैदराबाद में जीजा का तूने फोन उठाया? हाँ बरेलियों का दूल्हा भाई अप्पू खान लाइन पे है, पूछिए मेरे सालो सालो इज्जत से क्या बात करूँ अपने दीदी। हाँ तो जाइए तुम लोग खुद ही हो ना, तुम ही लोग खुद ही साला बहनों जीजा को, उसके बाद जब हम मेरे पे जवाब देते हैं तो तुम लोग की आगे की गिली की गिली की गिली जब कह रहा हूँ तभी से बात करो, उसूल से बात करो, दीन को मजाक ना बनाओ। लेकिन दीन को मजाक बनाने की तो बरेलियों ने कसम खा रखी है भाई, कोई एक लोग बात करो वरना मैं फोन काटे दे रहा हूँ। तुम दोनों आपस में आराम से बात कर लो, साला बहन वही खेलो। ठीक है बता वलीमा करना वाजिब है, एक लोग पहले बोलो कौन बात करेगा, अपना नाम बताओ और सामने आओ, बाकी बीच में कोई ना बोले। मैं तेरा जमशेद भैनोई बात करूँगा। हैं भाई? मैं तेरा जमशेद भैनोई दिल्ली। अच्छा जमशेद हो मेरे साले हो, ठीक है बोलो मेरे साले। हाँ बेटा ये बता कि वलीमा करना वाजिब है, वाजिब की दलील कुरान से दी जाती है, आयत पेश कर चल। अच्छा वाजिब की दलील मेरे भाई कुरान से दी जाती है, ये कहाँ कुरान में लिखा है, इसकी दलील पेश कर। वाजिब और हलाल और हराम की दलील कुरान से दी जाती है, साबित कर। नहीं हलाल और हराम का मसला अलग है ना, यहाँ तो वाजिब की बात हो रही है ना। वाजिब बेटा जकात वाजिब है ना। जकात वाजिब है कि फर्ज है? जकात फर्ज भी है वाजिब भी है। हाँ दोनों को एक मान लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आज हनफी मुकल्लिक ने मान लिया कि चाहे फर्ज हो चाहे वाजिब हो दोनों एक ही हैं, लेकिन हनफी मसलक वाले फर्ज अलग मानते हैं वाजिब अलग मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमशेद हमारे साले ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दूल्हा भाई से बात करके हक बात को अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया कि फर्ज और वाजिब दोनों एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वलीमा करना वाजिब है, वाजिब तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई पैसे वाला है तो उसके ऊपर वाजिब है। वाजिब तो साबित करना कि कुरान में लिखा हो। अरे यही तो बता रहा हूँ ना कि अल्लाह के नबी। अच्छा ठीक है तुम्हें कुरान से चाहिए, अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाता है वमा अताकुम रसूलु, नबी जो तुमको दे उसको ले लो। तो नबी ने हमें क्या दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया कि अगर तुम्हारे पास एक जानवर क्यों ना हो, एक बकरी क्यों ना हो, उसमें भी तुमको वलीमा करना है, तो वलीमा करना गोया पैसे वालों के लिए ये वाजिब हो गया। और ये जो अमल है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत है। और कोई बिल्कुल गरीब है जिसके पास मेरे पास खुद को रोटी खाने के लिए नहीं है तो वो कहाँ से करेगा वलीमा? हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मिश्कात शरीफ की हदीस मुबारक है कि नहीं मिश्कात शरीफ नहीं, हदीस नंबर क्या है उसका? ओ हदीस नंबर बता, हदीस नंबर, हदीस नंबर पढ़ लियो। नहीं स्कैन होता है तो 500 स्कैन अभी हम भेज सकते हैं तुम्हें, तो तुम रात भर पढ़ रहे हो हदीस तो पढ़ने दो, फिर स्कैन मांग रहे हैं ना। जाहिल जितना भी तुझे इल्म नहीं, जो हदीस पढ़े तो पीछे नहीं बोलते। अच्छा आप ये बता दीजिए बरेलियों के वहाँ वलीमा करना क्या है? तो जाहिल बोला ये साला। नहीं नहीं पहले पहले आप अपना दावा तो कीजिए, दावे पे दलील दीजिएगा ना। भाई असल में आप लोग को इल्मी बहस करना है, डिबेट करना आता नहीं, डिबेट का उसूल होता है। पहले आप दावा करेंगे, दावे के ऊपर अपनी दलील देंगे ना। तो पहले आप बताइए कि बरेलवी लोग जो ये वलीमा इसको क्या मानते हैं? अरे भगा यार जमशेद भाई हमें पता है उसको। अरे भगा यार जमशेद यही तो बात है, उनसे औकात नहीं होगी बात की। चलो रखो फोन, बहुत तेजी से रखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन जी? अजीज अल हसन कन्नौज से। अजीज अल हसन कन्नौज। हाँ बताइए जी। एक चीज पूछना थी, जैसे तरावी को लेके जो सही बुखारी की हदीस है 2013 की, हजरत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान हो, 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ठीक है, एक सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद या कोई तरावी पढ़ी और फितर मतलब पढ़ लिया, उसके बाद 2 रकात नमाज और पढ़ी, यानी कि टोटल 13 रकात पढ़ी। तो वो हदीस तो ये कह रही कि मतलब 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। और इधर तौर पे मेरे भाई उमूमी तौर पे यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो इसका माना ये नहीं है कि मेरे भाई 1 रोटी या 3 रोटी का इनकार हो जाता है। उमूमी जो मेरा अमल है वो ये है कि चाहे रमजान हो या मतलब भाई वो गैर रमजान हो मैं मेरे भाई खाने में 2 रोटी खाता हूँ। अब इसका माना ये नहीं कि कभी मैंने 3 रोटी खा ली या कभी मैंने 1 ही रोटी खाई। तो ये अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये उमूमी अमल बता रही है।
ऐसा तो अल्लाह के नबी से मेरे भाई वो 9 रकात एक ही रात में वितर साबित है। अल्लाह के नबी दो 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 करके पढ़ते थे 10 रकात और 1 रकात पढ़ते थे वितर और उसको बना लेते थे ताक, तो इस तरीके से 11 रकात। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो 11 रकात पढ़ते थे वितर के बाद, और उसके बाद सुबह जो फज्र होती है उसकी जो होती है सुन्नत मौकदा उसको भी साथ ही में आप पढ़ के जाते थे मस्जिद में, ठीक है, लोगों को जमात कराने फजर की, तो इसको जोड़ के हो जाता है 13 रकात, ठीक है। हाँ, तो अगर मतलब जहाँ जहाँ पे ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकातें पढ़ी, तो उल्मा ने मतलब इस चीज के बारे में पूरा मतलब बहस की है, बताया है कि या तो वो मतलब भाई वो वितर के बाद जो 2 रकात जो होती है नफिल उसको पढ़ी तो वो हो गई 13 रकात, ठीक है, क्योंकि वितर के बाद 2 रकात अगर कोई मतलब भाई पढ़ता है नफिल तो ये भी साबित है। और इसके बारे में गालबन एक मतलब वो आती हदीस आती है, ठीक है, मुसन्नफ इब्ने अभी शहबा में, कि अगर कोई मतलब भाई ईशा की नमाज पढ़े और ईशा की नमाज के बाद भाई जो वितर है उसको पढ़ ले और वितर के बाद 2 रकात नफिल पढ़ ले तो उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब उसको मिलता है। तो इससे ये भी साबित होता है कि वितर के बाद भी यानी कि 3 रकात वितर अगर कोई पढ़ता है उसके बाद भी अगर वो 2 रकात अगर वो पढ़ लेता है नफिल तो ये भी साबित है। लेकिन इससे क्या है, जो रातों की नमाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह वितर ही रहेगी, ठीक है। अल्लाह के नबी अपनी रात की नमाज जो आखिरी होती थी उसको वितर बनाते थे, यानी कि अब आपने 3 रकात पढ़ लिए वितर, अब आपने अगर 2 और पढ़ ली तो भी भाई वो 5 ही रकात होगी यानी कि वो वितर ही रहेगी, ठीक है। और दूसरा इसका मेरे भाई जवाब उल्मा ने दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात कयामुल लैल किया, 3 रकात वितर पढ़ी, फिर मतलब भाई देखा कि वो टाइम हो गया नमाज के फज्र का तो अल्लाह के नबी ने अपने घर में ही हुजरे में ही 2 रकात सुन्नत मौकदा पढ़ी फजर की और उसके बाद फजर की 2 रकात फज्र पढ़ाने के लिए मस्जिद चले गए, तो इस तरीके से भी 13 रकात हुई, लेकिन उमूमी तौर पे 11 रकात सुन्नत है। ज्यादा अमल जो है 11 रकात पे है। हाँ, उमूमी तौर पे जी ये बात है। वो तो हमने कहा ये तो मतलब हमने कहा 11 रकात होगी और फिर इधर 13 रकात होगी, हम लोग तो ये दावा करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज्यादा पढ़ी ही नहीं है। मेरे आज जहन में वो हदीस आ गई तो हमने कहा ये तो 13 रकात हो रही है, हम लोग दावा करते 11 रकात से ज्यादा पढ़ी नहीं। अरे भाई मोहतरम इमाम मालिक की एकदम सही हदीस से सही सनद से हदीस नंबर 249 उसमें आता है, ठीक है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनकी पहली जो मतलब जो किताब हदीस की इस सारी कायनात में दुनिया में हदीस की पहली उसका नाम है मौत्ता इमाम मालिक। उसमें हदीस आती है कि उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर में, ठीक है, उबै बिन काब रजी अल्लाह तआला ने और एक और साबित तमीमदारी रजी अल्लाह तआला उनको लोगों को रमजान में रात में वितर के साथ 11 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। तो 11 रकात ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ताबईन तबे ताबईन सबसे साबित है। लेकिन अब ये मसला समझने वाला है, देखिए पहले के दौर में क्या होता था, पहले के दौर में जो कयाम होते थे वो लंबे लंबे होते थे लेकिन उनकी जो तादाद होती थी रकातों की वो होती थी कम। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कयाम था उनको छोटे कर दिया गया और जो रकातों की तादाद थी उसको बढ़ा लिया गया। तो ये जो अमल है ये मतलब काफी सारी मतलब भाई मतलब इस टाइप से आता है कि भाई वो 35 रकात 40 रकात ठीक है 39 रकात इतनी रकात तक ताबीत है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं, 20 रकात पढ़ना जायज है। 20 हाँ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं 20 रकात पढ़ना जायज है, 20 के ऊपर भी पढ़ना जायज है, 20 से कम भी पढ़ना जायज है। लेकिन जो सुन्नत तादाद है वो है 8 रकात प्लस 3 रकात वितर। जी मुझसे अभी एक क्वेश्चन किया था 20 रकात को लेके, तो उन्होंने ये बताया हमने आप पढ़ लीजिए, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं, आप 20 पढ़ लीजिए। 20 रकात की तमाम हदीसें जितनी भी आती हैं वो तमाम मेरे भाई ज़ईफ़ हैं और ज्यादातर मेरे भाई हदीसें जो आती हैं वो आती हैं मुसन्नफ इब्ने अभी शहबा में और मौत्ता इमाम मालिक में, इन्हीं में ज्यादातर मेरे भाई 20 रकात के हवाले से ज़ईफ़ हदीसें आती हैं, बाकी मेरे भाई दुनिया की किसी हदीस की किताब में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, आप समझे, मुसन्नफ इब्ने अभी शहबा में एक हदीस है वो हनफी लोग पेश करते हैं
कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु से मारवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में 20 रकात और वित्र पढ़ाते थे, यानी कि डायरेक्ट माज अल्लाह अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बोल दिया गया कि 20 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। लेकिन बाद में जब इसकी तहकीक हुई हदीस की तो पता चला कि हनफी जो उलमा है उन्होंने जो ये हदीस है, ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली मुसन्नफ इब्ने अभी शहबा वाली, इसको ज़ईफ का है, गरीबी का है, और उसमें नाम है अल्लामा ऐनी हनफी का। वो ये कहते हैं उम्दतुल कारी, उसकी जिल्द एक सफा नंबर 128 पे, कि जो ये मतलब जो ये हदीस है ये एकदम गड़ी हुई है, ज़ईफ है, झूठी हदीस है। अल्लामा जैली हनफी वो मतलब भाई इस हदीस के ताल्लुक से उतारते हैं नजबुर राय में, उसकी जिल्द एक सफा नंबर 153 पे, कि ये जो हदीस है ये ज़ईफ है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे भाई उलमा हैं। और सीधी बात, मेरे भाई मुल्ला अली कारी जो मेरे भाई हनफियों के वहाँ, चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, दोनों के मतलब भाई उनके वहाँ बड़ा मोतबर इनका मेरे भाई मकाम, ठीक है, मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह, वो पूरी बहस करते हैं तरावी के ऊपर कि 8 रकात है या 20 रकात है। फिर नीचे मेरे भाई लिखते हैं इन सबका जो हासिल है वो ये है कि जो रमजान का कयाम है, यानी कि जो तरावी है, वो वित्र को मिला के 11 रकात जमात के साथ सुन्नत है, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। हाँ, और ये बात आती है गालिबन उसमें, ये अरे क्या नाम था यार उसका, अजीब तो ये एक तो किताबों के नाम ये लोग ने उतार रखे हैं, ठीक है, मिरकातुल मफाती में आता है, ठीक है, मिशकात के मतलब ये वो है शरा है उसमें आता है, ठीक है, मुल्ला अली कारी के बारे में आप इंशाल्लाह उसको आराम से देख सकते हैं। और देवबंदियों के बहुत मेरे भाई चोटी के आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो साफ कहते हैं कि इसके कबूल करने से कोई छुटकारा ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी यानी कि कयामुल लैल पढ़ी थी, और किसी एक भी रिवायत से ये साबित ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तरावी और तहज्जुद अलग अलग पढ़ी हो। अब बताइए, उर्फ शजी ये मेरे भाई तिरमिजी की भाई शरह है, उसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 208 पे अनवर शाह कश्मीरी की पूरी इबारत मौजूद है। वो तो साफ कह रहे हैं कि इसको मानने के अलावा, कबूल करने के अलावा कोई छुटकारा ही नहीं, यानी कि आम तौर पे हम लोग बोले तो कोई चारा ही नहीं बचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकाती पढ़ी थी, और एक भी हदीस से ये साबित ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तरावी और तहज्जुद अलग अलग पढ़ी हो। जी अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं इनका क्या नाम बताया, कश्मीरी, तो इनका ये हवाला मिल सकता है? हाँ, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का ना। जी जी हाँ, अभी वीडियो बनाया तो है तरावी के ऊपर, फजाइल अमाल का मतलब जो रद्द किया उसमें हमने पूरा स्कैन डाला है ना, हमने तो फजाइल अमाल से अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि 20 रकात तरावी पर कोई जिमा नहीं है, क्योंकि इनके फजाइल अमाल के जो थे पीर बाबा बुजुर्ग, वो रोजाना रात को 13 रकातों में एक मतलब पूरा कुरान पढ़ा करते थे रोजाना, यानी कि रमजान हो चाहे कोई और महीना, डेली रात को 13 रकात में। अब बताइए, तो 13 रकात तो वो डेली पढ़ रहे हैं रमजान हो या गैर रमजान, तो 20 रकात को इजमा कहाँ से हो गया? और आपका जो ये मेरे भाई झूठा इजमा है, इसमें तो आपके फजाइल अमल वाले जो बाबा हैं वही नहीं शामिल हैं, तो काहे का इजमा? अरे इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, एक दिन पढ़ रहे थे। मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महली वो फरमाते हैं कि सही इब्ने हिब्बान की जो हदीस है, ठीक है, जिसमें जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में सहाबा को 8 रकात और विक्र पढ़ाई, ये हदीस बिल्कुल सही है। अब बताइए, और ये मौत्ता इमाम मोहम्मद की जो शरह है उसमें आता है पेज नंबर 91 पे। तो कितने अपने हनफी आलिमों को मेरे भाई ये लोग पीठ के पीछे डालेंगे? और बताइए, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लामा जो ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह हैं,
उन्होंने बाकायदा जो उल्मा का जो इख्तलाफ है उसको एक जगह मतलब जमा किया और उन्होंने बहुत बेहतरीन भाई इसका जवाब दिया है कि उल्मा का इख्तलाफ है कि तरावी की कितनी रकात है। इसके बाद उन्होंने यानी कि अल्लामा आइनी हनफी ने ठीक है ताबईन और तबे ताबईन से तरावी की अलग अलग जो मेरे भाई रकातें थी उसको बयान की, जैसे मतलब इमाम मालिक वो 38 रकात ठीक है, मदीना वालों का मल 41 रकात, उमर बिन अब्दुल अजीज उनके दौर में 39 रकात, सईद बिन जुबैर के दौर में 24 रकात ठीक है, और इमाम मालिक से एक और कॉल के ताल्लुक से वो बताते हैं कि 11 रकात। तो इतनी सारी मेरे भाई इख्तलाफ था, कोई कह रहा है 47 रकात, कोई कह रहा है 38, कोई कह रहा है 41, कोई कह रहा है 24, कोई कह रहा है 16, कोई कह रहा है 13, तो कोई कह रहा है 11, तो 20 रकात की इजमा कब हो गया, कहाँ से हो गया। सही बात है जी। बोलिए आप कुछ कह रहे थे फजाइल अमाल के बारे में। देखिए फजाइल अमाल के बारे में कुछ ना कहिएगा, फजाइल अमाल मेरी भाई फेवरेट बुक है, मुझे जब भी मेरे भाई मतलब थोड़ा इंटरटेन्ड होना होता है तो मैं फजाइल अमाल पढ़ता हूँ, बहुत कॉमेडी किताब है भाई, मजा आ जाता है। मेरे पास भी एक दिन थी, मैं उसे पढ़ रहा था, तो मामू है मेरे, मामू कहते हैं सैम अलहमदिल्ला, अभी वो नए नए एलईडीज हुए हैं तो हम लोग उनके पास बैठते हैं, वो पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं, उनके पास समझ में आ गई अलहमदिल्ला एलईडीज हो गए, वो उनके बहनों ही हैं वो लेके अमल, तो हमने कहा मामू लेके आइए हम आपको दिखाएंगे, उसमें कुछ चीजें दिखाएंगे आपको, तो हमने उन्हें दिखाई कुछ चीजें, तो कहने लगे तो वाकई बेकार की बात है इसमें, तो और वो क्या हुआ आपका। हेलो जी बोलिए। हाँ और रिजी खान साहब का क्या हुआ। अरे वो सब जाहिल है भाई वो आखिर जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है वो, जाने कैसे अल्लामा बन गया वो, जरा जाने कैसे अल्लामा बन गया वो, रवा में बौखा करता है। ठीक है चलिए बाद में बात करते हैं, ओके सलाम जी। जी वालेकुम सलाम।